तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों लॉगरिथम्स, जो कि दोस्तों 11th 12th और दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूनिक दोस्तों टॉपिक होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाते हैं, 12th क्लास का एग्जाम हो या इंपोर्टेंट एग्जाम हो। तो उन सारे एग्जाम और सारे 12th क्लास के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपसे को सारे बात कवर हो पाए, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों इसके कुछ रूल्स और नियम की बात करें दोस्तों, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, जो इसका फार्मूला है दोस्तों बोला जाए तो फार्मूला की पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके फार्मूला देखिए, फार्मूला अगर दोस्तों आप सभी फार्मूला अच्छे तरीके से लिखते हैं, समझते हैं इसका, तो आप सभी को क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला क्या है दोस्तों। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस करें, ताकि ऐसा हर एक एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। दोस्तों सम प्रॉपर्टीज लॉग ऑफ लॉग, ठीक है। पहला है दोस्तों, दिया गया है कि लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, ये आपसे बताना है कि इसका क्या होता है। देखिए वीडियो को आप सब एंड तक देखिएगा, ताकि आपसे कुछ भी फायदा हो पाए। अगर आपसे भी बीच में से देख करके चले जाते हैं, तो आपसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है दोस्तों ये हो जाता है लॉग एम एन, अच्छा जी, ये तो हमारा फार्मूला। अब इसको क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाए, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल में दे दिया जाए लॉग 3 प्लस लॉग लॉग 2 इक्वल टू दे दिया जाए वाट, एग्जाम में दे दिया जाएगा एक ऐसा क्वेश्चन आपसे को ऑब्जेक्टिव के रूप में, और पूछ दिया जाएगा इसका आंसर क्या हो, तो आपसे को बताना होगा कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉग और 3 × 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लॉग 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लॉग 6 इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। ये रामला पहला रूल रहा, क्या रहा दोस्तों पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरा रूल की, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा रूल हमारा क्या है। दूसरा रूल है दोस्तों हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होगा। अब दोस्तों दे दिया जाए लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होगा, आप सभी से इतना पूछ दिया जाए कि इसका इक्वल टू क्या होगा, तो आपसे बताना होगा कि इसके इक्वल टू में क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप सभी बता सकते हैं अगर आप सभी पढ़े होंगे तो, ठीक है। अब इतना दे दिया तो इसको अब कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है, समझते हैं इस बात को। कितने इतना दे दिया जाए तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो इसका जो फार्मूला जाए दोस्तों, इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपसे को, ये हो जाता है कितना हो जाता है, तो लॉग एम बटा में एन, लॉग एम बटा में एन हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, लॉग एम बटा में एन हो जाता है कितना, लॉग एम बटा में एन हो जाता है कितना हो जाता है दोस्तों, तो लॉग एम बटा में। अच्छा अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए, ये भी हम लोग बात करेंगे कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा और कैसे अप्लाई नहीं किया जाएगा, इन सारे बात को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए। अगर आपसे के पास एग्जाम्पल दे दे, लॉग 5 माइनस लॉग 6 इक्वल टू व्हाट, इसका पूछ दे आंसर कितना देंगे आप, देना पड़ेगा लॉग 5/6, इसका सही वाला आंसर हो जाएगा 5/6, इसका क्या जाएगा सही वाला आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करिए, फटाफट इसको कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको फटाफट कॉपी में नोट करिए, क्या करिए दोस्तों फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यानी कि तीसरा, तीसरा है दोस्तों अगर आपसे दे दिया जाए लॉग एम बेस एन, देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है लॉग एम बेस एन, लॉग एम बेस एन, लॉग
लॉग एम बेस एन इसको पढ़ा जाता है, ठीक, इसको लॉग एम बेस एन पढ़ा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। इसको कैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग एम बटा में लॉग एन हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे बना जाएगा। दे दिया जाए लॉग पाँच बेस टू, लॉग पाँच बेस टू दे दिया जाए तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे क्या लॉग फाइव और लॉग टू कर देंगे, हमारा ये बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट कॉपी में नोट करते चलेगा उसी बात सारे बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेक्स्ट है लॉग एम बेस एन इक्वल टू वन होता है, लॉग एम बेस एन इक्वल टू वन होता है। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर, लॉग अब 10 ले लीजिए, 10 इक्वल टू वाट, इसका मान या दे दीजिए लॉग दो बटा में दो बेस दो, इसका मान या दे दीजिए आप लॉग तीन, यानी कितना हो भी अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया जाए, अगर इसका मान पूछा जाए तो सारे का मान जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा वन ही होता है। क्या होता है दोस्तों, सारे का मान वन के इक्वल टू आएगा। अगर आपसे इसे दे दिया जाए लॉग टेन बेस टेन, लॉग टेन बेस टेन इक्वल टू वाट दे दिया जाए, इसका मान जो होगा वो वन के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों, तो वन के बराबर होता है। अगर ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन तो वन के बराबर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल जो पांच नंबर है क्या है। पांच नंबर रूल है दोस्तों आपसे को दिया गया है, पांच नंबर जो रूल है वो कह रहा है कि देखिए जैसे कि यहां पर दे दिया जाए लॉग ए बेस ए, तो इसका भी मान क्या होगा वन ही होगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा वन ही होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आपसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों रूल। इस रूल को पहले आप सभी करिएगा कि इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जितना मैं रूल दोस्तों आप सभी को लिखवाया हूँ उसको क्या कर लीजिए, पहले आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे उसके हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट रूल क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रूल आप सभी को, तो इस रूल को नोट करना आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। और कुछ खास इसमें रूल है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के, इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को फटाफट आते हैं और जो रूल मिलेगा क्वेश्चन के साथ साथ उस रूल को हम लोग क्या करेंगे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा मिटका लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप सभी, ये लिख लिए होंगे तो इसको मैं मिटाऊंगा दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्या कर दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं इसको आगे। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि इसमें के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एयरफोर्स एनडीए नेवी कोस्ट गार्ड ट्वेल्थ क्लास के लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं उसको, उस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए या वो हो क्वेश्चन। देखिए मेथड वही होता है बस, अब होता है कि कॉम्पिटेटिव लेवल में क्या होता है शॉर्ट ट्रिक्स बनाना पड़ता है, और इसमें जो होता है वो बोर्ड लेवल में मतलब कि एक विस्तार रूप से बनाना होता है, बस सिंपल से वही होता है, ठीक है ना। अब दे दिया जाए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 26 25 इतना बेस पाँच इक्वल टू वाट दिया गया, यानी कि इसका मान क्या करना है दोस्तों आप सभी को ज्ञात करना है। लॉग 625 बेस पाँच, लॉग 625 बेस पाँच का मान हम सभी को करना है कि ज्ञात करना है दोस्तों इसका मान। अब इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने दोस्तों अभी आप सभी को बताया है वीडियो में, इसके वीडियो में इसका जो रूल पढ़ा रहा था कि इसको कैसे बनाया जाए, इसको पढ़ाया जाए लॉग पाँच को पाँच के लिख दे, अगर 625 को क्या लिख सकते हैं हम, पाँच के पावर चार लिख सकते हैं दोस्तों, पाँच के पावर क्या कर सकते हैं चार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 25 25 25 625, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब जो दोस्तों जो ये हो जाता है ना, ये
जो ऊपर वाला जो पार्टी हो जाता है ना, ये आगे आने का कोशिश करता है। जो ऊपर होता है वो क्या करता है, देखिए जैसे राजा होता है यार, वो तो महाराजा मतलब ऊपर होता है और क्या करता है, आगे बढ़ता है। क्या करता है, आगे बढ़ता है, कभी पाछे नहीं बढ़ता है, कभी पाछे वो नहीं बढ़ता है ना। इस ट्रिक है दोस्तों, इसका ट्रिक है कि जो महाराजा होता है वो हाई लेवल पर होता है, ऊँचा होता है, वो आगे बैठा होता है, सिंहासन पर आगे बैठा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आगे आ जाएगा। तो ये आगे जब आएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और log 5 base 5। तो क्या आप सभी एक बात समझ में आ रहा है, अभी मैंने दोस्तों एक आप सभी को रूल पढ़ाया था, अभी एक नियम बताया दोस्तों, वहाँ पर एक क्या क्या एग्जाम्पल भी बताया था इस प्रकार का कि इसका मान कितना हो जाएगा। ये जो आप सभी को दिख रहा है कि log 5 base 5 दिख रहा है आप सभी को, log 5 और बेस 5 जो आप सभी को दिख रहा होगा, इसका मान क्या होगा, अभी मैंने आप सभी को बताया है दोस्तों, तभी आप सभी से पूछ रहे हैं कि इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1। यानी कि 1 × 4 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 और यही हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत आसान है रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एक और मस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कीजिए आप। क्वेश्चन छोटा छोटा रहता है तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। बस छोटा सा लिखे और उसमें बनाते चल गए, क्वेश्चन बहुत छोटा था इसका, ठीक है ना। इफ मत होता है यदि, छोटा छोटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉग क्या होगा दोस्तों, लॉग और यहाँ पर है इस प्रकार नहीं, यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर है लॉग, ठीक है, इतना है दोस्तों। और कह रहा है कि इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान करना है क्या दोस्तों, एक्स का मान करना है क्या है कि ज्ञात करना है। हम सभी को दिया गया है कि इफ लॉग 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 और इक्वल टू 0 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब बताइए कि एक्स का मान जो है कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, आप लोग को बताना है कि एक्स का मान दोस्तों कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसको बताइए, इसको बताइए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम करेंगे सिंपल सी बात करेंगे कि लॉग लॉग इसको कर देंगे लॉग, इसको कर देंगे लॉग, इसको कर देंगे लॉग 1, क्योंकि दोस्तों लॉग 1 और लॉग 1 का मान दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। लॉग 1 का मान जो होता है दोस्तों 0 के इक्वल टू होता है। इसको अब लिखेंगे लॉग लॉग और इक्वल टू 1, लॉग 1 लॉग 1 हो जाए दोस्तों। अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको लॉग और लॉग, अब इसको लिख देंगे दोस्तों लॉग 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लॉग 10 लिख देंगे। और जब दोस्तों इसको लॉग 10 लिखेंगे, जब क्या करेंगे इसको लॉग, यहाँ पर लॉग 10 है दोस्तों, यहाँ पर आपसे वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लॉग 10 क्या है दोस्तों, लॉग 10। अब यहाँ पर बना देते हैं इसको, जब लॉग 10 लिखेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों लॉग लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 10, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 10 दोस्तों। तो ये हो जाएगा लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स के पावर ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, तो एक्स इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर 10 हो जाएगा, ई के पावर 10, और यही इसका सही वाला आंसर हो जाएगा, ई के पावर 10 इसका सही वाला आंसर हो जाएगा, ई के पावर 10। आप सभी लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया हमें सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप सभी। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया है 16 log 5 base 4 दिया गया इक्वल टू वाट, यहाँ पर 4 है दोस्तों,
यहाँ पर फोर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ सी 16 के पावर जो है लॉग 5 बेस 5 है इक्वल टू व्हाट है, इसका मान क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करना है आप सभी को बताना है। देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले इसको लिखेंगे इक्वल टू लिख लेंगे, चाहे कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4 के पावर 4। अच्छा 4 के पावर 4 यानी क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, सॉरी 16 नहीं है 64 हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अब इसके पावर क्या लिख देंगे, लॉग 5 बेस 4, लॉग 5 बेस 4 लिख देंगे इसको। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको करेंगे a इक्वल टू 4 के पावर 2 और इसको कर देंगे लॉग 5 बेस 4, क्या कर देंगे बेस 4 कर देंगे, ठीक है ना। जब इसको इतना करेंगे दोस्तों, तो मैंने अभी बताया कि a इक्वल टू 4 लॉग 5 बेस 4, और जो राजा जो होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया था कि जो राजा होता है वो आगे आने का कोशिश करता है, तो राजा आगे आता है तो राजा ऊपर आता है, तो ये जो राजा है दोस्तों दो क्या जाएगा, इस सभी के ऊपर आ जाएगा, राजा क्या जाएगा दोस्तों ऊपर आ जाएगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा ऊपर वाला, ठीक है। जब राजा ऊपर वाला स्थान ग्रहण कर लिया दोस्तों, तो इसका मान जो है, मैंने अभी बताया कि इसका जो मान है दोस्तों, इसका मान जो है वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 5 के पावर 2 आ जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 25, यानी कि सही वाला आंसर इसका 25, इसका सही आंसर हो जाए। क्या इसमें आप सभी कोई डाउट है, क्या इसमें आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, उस डाउट को क्या किया जाए दोस्तों, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो फटाफट बताइए आप सभी का डाउट क्या है इसमें, ठीक है, आप सभी अपना डाउट क्लियर करवा लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग हमसे। देखिए आगे क्या दिया गया, आगे इसका एक और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका और एक मस्त वाला एकदम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लॉलीपॉप वाला दिया गया है, लॉग 1/2 दिया गया है, 1/2 ए बी सी, और यहाँ पर नीचे दिया गया दोस्तों ए बी, फिर प्लस 1/2 लॉग ए बी सी, और यहाँ पर फिर नीचे के दिए गए बी सी दिया गया है, और यहाँ पर दिया प्लस 1/2 लॉग ए बी सी, और 1/2 दिया गया दोस्तों सी ए, और इक्वल टू वाट दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों इक्वल टू वाट दिया। अब इसको बताना है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार दोस्तों पूछा गया, आप सभी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार पूछा गया, तो इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसका जवाब देना है। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, इसको बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको बनाते हैं कैसे बनाया जाए, ठीक है। जब दोस्तों उसको 1 के हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी, और ए और बी जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, क्या क्यों चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जब ऊपर में बाई में है दोस्तों, जब इसको हटाते हैं तो ये अपने स्थान को एक्सचेंज करते दोस्तों, इन्होंने चेंज किया दोस्तों, प्लस फिर लॉग ए बी सी, और यहाँ पर बी सी, फिर प्लस लॉग ए बी सी, और इसने किया क्या सी ए। जब दोस्तों इन्होंने ऐसा किया तो क्या मैं लॉग ए बी सी को कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं लॉग ए बी सी का कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि सारे में ए बी सी दोस्तों एक कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैंने कॉमन ले लिया और इसको ऐसे कर लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि दोस्तों ए बी सी और सी, इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब करेंगे क्या करेंगे कि लॉग ए बी सी, और जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इतना होगा दोस्तों तो इसके स्क्वायर को ले लेंगे आगे, क्योंकि दोस्तों राजा आ जाता है आगे, तो आगे आ जाएगा राजा, तो लॉग ए बी सी, और नीचे ऊपर भी हो जाएगा ए बी सी, तो इतना का मान दोस्तों क्या हो जाता है, इतना का जो मान है दोस्तों वो हो जाता है 1, और 2 गुणे जब 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यहीं इसका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों
टू। तो क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजिली तरीके से बनाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे जरूर बताए दोस्तों। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे लॉगरिथम का दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। मिलते कल दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।